जा रहे हैं एल्केन के बारे में, है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको 10th, 11th, 12th में बहुत काम आने वाला चैप्टर है, है ना। और देखना है कि कार्बन को हम लोग कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैसे डॉट फॉर्मूला डॉट फॉर्म में लिखते हैं, है ना, वो सब देखना है। तो आज हम बात करेंगे एल्केन, एल्केन के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, है ना। हम आज तीन ठो टॉपिक पर डिस्कस एक साथ कर रहे हैं, तीनों में कंपैरिजन करते हुए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज ये जो टॉपिक होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज बताने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। पहले हम लोग एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है CnH2n-2, है ना। तो ये है हमारा फॉर्मूला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। देखिए एल्केन का जो सफिक्स यहाँ पर है ANE और यहाँ चेंजिंग है ENE और यहाँ है YNE। अभी इसी में हम लोग जो है कि बात करेंगे। जब हम लोग मान लीजिए ये फर्स्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहाँ हम का एन का वैल्यू 1 रख दें, है ना, एन का जब वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा C1H2 × 1 + 2 होगा, होगा C1H2 × 1 + 2। यानी कहने का मतलब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 को तो छोड़ देंगे क्योंकि 1 का मतलब सरस रहता है, 2 × 1 = 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा CH4। इस CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। देख लीजिए इसमें जैसे जैसे कार्बन मान लीजिए यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं मीथेन, मीथेन, है ना। यहाँ पर नंबर्स ऑफ कार्बन यहाँ लिख देते हैं, नंबर्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो नेम इसका हो गया मीथेन। अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तब क्या इसका नाम हो जाएगा, इथेन। यहाँ पर नेम लिख दे रहे हैं, है ना। देखिए ए नहीं आ रहा है, है ना। जब 3 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। जब 4 हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 जब रहेगा ऑक्टेन, 9 रहेगा नोनेन, जब 10 रहेगा तो डेकेन। तो अगर कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो नाम भी उसका क्या होते जाएगा, चेंज। तो आप देखते जाइए, पहला जब कार्बन की संख्या 1 है इसका नाम होगा एल्केन ग्रुप में मीथेन, यहाँ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ये है इसका नाम। तो आप लोग को क्या अभी करना है, इस तरह से आपका सबका नाम इसमें लिखना है। जैसे अब इथेन में हम लोग कार्बन की संख्या 2 पुट करेंगे तो 2H2 × 2 + क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा C2 2 + 4 और + 2 कितना हो जाएगा H6।